हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है भरगेन का शेफ। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लाया हूँ जिसका नाम है पटाटो वेजिस। आज मैं आपको बताऊँगा पटाटो से एक शानदार स्टार्टर कैसे बना सकते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। बस आपने मेरा वीडियो आखिर तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों। पटाटो बेजिस बहुत ही शानदार रेसिपी है। आज मैं आपको बताऊंगा पटाटो बेजिस कैसे बनाएं और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैं सबसे पहले उसका मीजा आपको दिखाता हूं। ये सभी पटाटो बेजिस का मीजा है। पटाटो बेजिस बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। हम सबसे पहले विद स्किन पटाटो लेंगे। ये देखिए, आपने विद स्किन पटाटो लेने हैं। मैदा, कॉर्नफ्लोर, सॉल्ट, पेरी पेरी पाउडर, चिल्ली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, रोजमरी और फाइन चॉप कोरिएंडर। पटाटो बेजिस के लिए हमें इन सब की ज़रूरत है। अब हम सबसे पहले जो हमारे पटाटो हैं वो हम अच्छे से पानी में वॉश कर लेंगे। आपने इस तरीके से पानी में इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना है। इस तरीके से आप धोने, क्योंकि हमने ये विद स्किन लेना है, इसलिए आप इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धोने। उसके बाद दूसरे पानी में डाल दें। इस तरीके से मैं सारा धो लूँगा, फिर एक और पानी में। अब इसमें भी मैं अच्छे से घिस के धोऊंगा और इसको एक बॉल में डालूंगा इस तरीके से। दोस्तों धोने के बाद हम इसको काट लेंगे। आपने इस तरीके से काटना है, ये देखिए। इस तरीके से आपने काटना है, ये देखिए। और काटने के बाद तुरंत पानी में डाल देना इस तरीके से, ताकि ये काले ना पड़ जाए। ऐसे पानी में डाल दें। इसी तरीके से मैं सारे काट लूँगा। तो ऐसे काटने के बाद हम इसको ब्लांच कर लेंगे। ये मैंने पानी चढ़ा रखा है, मैं उसमें पानी में डाल दूँगा, ये देखिए इस तरीके से। और इसमें थोड़ा नमक डाल दूँगा। आप थोड़ा नमक डाल दें और गैस फास्ट कर दें। और आप ध्यान रखें, हमने ब्लांच करने हैं, एकदम बॉइल ना करें आप। दोस्तों ये देखिए, हमारा पटाटो ब्लांच हो गया। अब मैं निकालूंगा। आप सोचेंगे ब्लांच और बॉइल में क्या फ़र्क है। बॉइल मतलब होता है पूरा पका हुआ, फुल डन। और ब्लांच का मतलब होता है आधा पका हुआ, मतलब बस हमने डालना है और थोड़ा सा पका के उसको निकाल लेना है। ये हो गया, ये देखिए इस तरीके से आप निकाल लें। दोस्तों ऐसे निकालने के बाद हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद मैं आपको बना के दिखाऊंगा। दोस्तों हमारे पटाटो ठंडे हो चुके हैं, अब मैं आपको बनाना दिखाऊंगा। मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा कि हमने मैदा डाला, कॉर्नफ्लोर डाला और उसको घोल लिया, बेटर बना लिया, फिर पकौड़े की तरह फ्राई कर दिया। मैं ऐसा आपको बिल्कुल बताने वाला नहीं हूँ। हम ऐसा एक बॉल लेंगे और जो हमारे पटाटो हैं हम इसमें डाल देंगे। आप इस तरीके से डालें। इस तरीके से डालने के बाद हमने इसमें चिल्ली फ्लेक्स डालना है, एक चम्मच। एक चम्मच धनिया के पत्ते, आधा चम्मच पेपरिका पाउडर, आधे चम्मच से आधा रोजमरी, आधा चम्मच ड्राई बेसिल और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ये सब डाल के आप इसको ऐसे हल्के से टॉस कर लें, ऐसे मिक्स कर लें। ये देखिए इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और एक चम्मच मैदा। अब इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। और दोस्तों आप इसमें थोड़ा सा नमक डालें, क्योंकि हमने बॉईल करने में नमक डाला था, इसलिए आप ज़्यादा ना डालें। ऐसे मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप थोड़ा सा पानी इसमें डालें और ये ऐसे इसमें सब चिपक जाएगा। इस तरीके से ये चिपक जाएगा और आप इसका घोल ना बनाएं। आप जब घोल बनाते हैं तो इसका सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है, मज़ा नहीं आता। इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। दोस्तों हमने
पटाटो वेजेस मेरीनेट कर लिया है, बहुत ही शानदार हुआ है। अब मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगा। मैंने ऑलरेडी तेल चढ़ा रखा है, ये देखिए, और हमारा तेल गर्म भी हो चुका है। आपने इस तरीके से एक एक करके ये देखिए, और ऐसे तेल में छोड़ देना है और एकदम क्रिस्पी फ्राई करना है आपने। और आपने स्लो गैस करना है और एकदम क्रिस्पी क्रंची फ्राई करेंगे हम। थोड़ी देर बाद इसको हिला दें हल्के से इस तरीके से, देखिए ये देखो, ये बहुत ही शानदार हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही शानदार हुआ है, आपको देखने में भी लग रहा होगा। लेकिन अभी हम इसको री फ्राई करेंगे, दोबारा से फ्राई करेंगे एकदम क्रिस्पी। इसको निकाल लेंगे और तेल को ज़्यादा हीट कर लेंगे। दोस्तों हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसको दोबारा से तेल में डाल दूंगा। ये देखिए इस तरीके से आप डालें। आप जब भी ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं डीप फ्राई, तो उसको एक बार आप तेल से निकाल के स्लो में पका के फिर दोबारा फास्ट तेल करके उसको डालें। आपने जिस चीज़ में ये निकालने हैं, बॉल में या प्लेट में, उसमें आप टिशू पेपर लगा लें नीचे पहले इस तरीके से, ताकि जो भी इसका थोड़ा बहुत तेल होगा वो ये टिशू पेपर सोख लेगा। अब दोस्तों ये देखिए पेजेस हो चुके हैं, बहुत ही शानदार। अब मैं इनको निकाल लूँगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपने निकाल लेना बॉल में ताकि इसका तेल न छूट जाए। उसके बाद हम इसमें निकाल लेंगे, ये देखिए बहुत ही शानदार हुए। और थोड़े से धनिया के पत्ते डाल देंगे। और दोस्तों इसको आपने टमाटर केचप के साथ खाना है, टमाटर केचप से खाएं आप, ये बहुत ही शानदार लगेगा, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। दोस्तों आज मैं आपके लिए पटाटो बेजिस लेके आया और ये बहुत ही शानदार हुआ है। और मैंने आपको बहुत ही आसान रेसिपी में बना के बताया। मैं ऐसे ही आपके लिए एक से एक वीडियो लाऊंगा, बस आपने मेरा वीडियो आखिर तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए